हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूजा फूड व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी जलेबी, जो कि हम लोग मार्केट में देखते हैं सजा कर रखे हुए या बनते हुए देखते हैं तो एकदम खाने का मन हो जाता है, तो क्यों नहीं हम घर पर बनाएं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और बहुत ही कम चीज़ों में बन जाता है, बन के रेडी हो जाता है। तो क्यों अपने आप मन को क्यों मार के रखना, मन को क्यों ऐसे फुसला कर रखना। चलिए हम बनाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, गैस जला लेते हैं फटाफट। हम छोटा सा बर्तन लेंगे कि जब भी हम जलेबी इसमें डालूंगी तो जो चीनी का चाशनी होगा वो डूब जाए। तो मैं इस कटोरी से मैंने नापी हूँ, तो एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, तो मैं दो कटोरी चीनी डालूंगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को चाशनी बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये एक कटोरी और ये दो कटोरी। देखिए दोस्तों, दो कटोरी है, दो कटोरी हम चीनी लेंगे। और एक कटोरी पानी डाल देते हैं ताकि चाशनी जो है अच्छे से पके। यहीं पे हम पानी डाल देते हैं एक कटोरी। चाशनी को क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है जब तक ये चीनी थोड़ा सा गलेगा, ये है ना। इसको हम मीडियम फ्लेम पर रख करके चीनी को गलने के लिए छोड़ देती हूँ। मैदा का हम घोल तैयार करते हैं। अगर आपको खट्टा चाहिए तो आप दही मिलाइए और या विनेगर कोई एक चीज़ मिलाइए, ठीक है। हमको खट्टा नहीं चाहिए दोस्तों। यहीं पे क्या करेंगे दोस्तों कि हम ऑरेंज जो फूड कलर होता है आसानी से मार्केट में मिल जाता है, वही हम डालेंगे, है ना। तो मैं इतना डालती हूँ, इतना काफ़ी है। यहीं पर दोस्तों देखिए, मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। आप इसके जगह पर आप इनो भी डाल सकते हैं। खाने वाला सोडा ज़्यादा नहीं डालिए, नहीं तो जलेबी क्या होगा छानने के टाइम में फट जाएगा। तो हम इसमें से मैं भी थोड़ा सा ही डालूंगी दोस्तों। चाशनी का जो चीनी है वो घुला नहीं है, तो अपने घुल जाएगा। ये पानी दोस्तों हिसाब से डालें, क्योंकि हमारा जो घर का खर्चा के अनुसार से मैदा है, और मैदा में थोड़ा सा भी वो नहीं, गुठली उठली नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ऑरेंज कलर आ गया है ना, तो इसीलिए गुठली रहेगा, जलेबी अच्छा नहीं बन पाएगा। मतलब देखिए ये इस तरीका से आपका, देखिए ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से देखिए बनना चाहिए। मतलब कितना स्मूथ गिर रहा है ना, जितना स्मूथ यहाँ गिर रहा है ना फ्लो, उसी हिसाब से वहाँ भी आपका ये गिरेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट पे और चलते हैं हम चाशनी देख लेते हैं, क्योंकि चाशनी को काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होगा, कहीं हमारा चाशनी करा नहीं हो जाए। और इसको मैं ढक के रख लेती हूँ। तो दोस्तों एक बात है कि ये जो चाशनी जो हमारा है ना, उसको नहीं जमने के लिए हम नींबू डालेंगे। तो पहले हम नींबू का रस निकाल लेते हैं ताकि बिया और वो क्या बोलते हैं गुठली चाशनी में नहीं जाए। दोस्तों ये चाशनी के ऊपर इतना जो ये छता छता की आ रहा है ना काला काला, उसको आप फेंक दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो चाशनी है जलेबी का चाशनी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना तार बनाएगा छोटा सा। तो आपको थोड़ा सा गर्म होता है दोस्तों, ये जो छोटा सा तार बना रहा है ना, बस मुझे वही चाहिए। इसको हम फटाफट उतारेंगे, नहीं तो कड़ा हो जाएगा। रखेंगे यहाँ पे ऐसा है, घर मेरा जलेबी जैसा महकने लगा है दोस्तों, सच बताऊं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल को हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे, मीडियम में करेंगे। अगर आप दोस्तों अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपको प्लास्टिक भी संभालने नहीं आ रहा है, तो आप यहीं पर इसको रबर से लॉक करिए कि थोड़ा सा आपको इसको जब प्रेस करिएगा ना नीचे गिरेगा तो आपको हेल्प मिल जाएगा। और जैसे हम मेहंदी के लिए थोड़ा सा कटिंग करते हैं ना, कौन काटते हैं ना, ऐसे एकदम छोटा सा काटेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं बड़ा है बस। अब जलेबी भाई ये बन रही है हमारी जलेबी, इसको लॉक करते जाइए दोस्तों।
आप बहुत ही इजी तरीके से बनाइएगा। यही होगा ना कि एक दो बार खराब होगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। एक दो बार खराब होने से नहीं घबराइए, क्योंकि हम रोज़ सब्जी बनाते हैं तो नमक तेल मिर्चा ज़्यादा कम पड़ते ही रहता है। देखिए दोस्तों कितना लाजवाब, कितना सुंदर, अच्छा टेस्टी जलेबी रेडी हो गया है। और डालिए, दिखाइए। देखिए जलेबी आ चुका है रस पीने के लिए। रस पिलाते हैं इसको, डुबा डुबा कर रस पिलाते हैं ताकि रस भरी जलेबी बन जाए। इसको क्या करेंगे धीरे धीरे दोस्तों, क्योंकि हम लोग के पास उतना नहीं रहता ना चाशनी वासनी, ऐसा हेल्प कर देंगे चम्मच से या कुछ भी जो है, बस डूबना चाहिए, डुबा देंगे। ये जलेबी बन के रेडी हो गया है, इसको रख देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा निकल जाएगा। देखिए दोस्तों मैं इमरती बना रही हूँ, बहुत बड़ा मिर्ची दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। ये देखिए इमरती देवी डूब गई है रस पीने के लिए। देखिए ये आप लोगों के लिए इमरती, अच्छा हुआ, बहुत सुंदर। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर जलेबी घर में बनके तैयार है। और आप बिल्कुल ही मतलब आलस नहीं करिए, घर में बनाइए, आप खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए, चाहे लॉकडाउन हो या चाहे नहीं हो, अपना हुनर अपना ही हुनर होता है। और घर का बनाया हेल्दी भी है, और कुछ ज़्यादा खास मटेरियल नहीं लग रहा है, कोई ज़्यादा सामान नहीं लग रहा है, घर सबके घर में मैदा और चीनी रहता ही रहता है, तो बस बनाने का भी तरीका बहुत आसान है। बनाइए और खाइए। इमरती आप लोगों के लिए, और मैं इमरती बना दी हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आपको ये जलेबी का रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और खाने का तो मन होता ही होगा देख करके, स्वाभाविक बात है, हमको भी मन करता है, तो कमेंट कीजिए इसी बात पर। और हमारे चैनल वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल घंटी दबाना बिल्कुल दोस्तों नहीं भूलिए। और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर पूजा 7395 पर। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। पूजा बन गई जलेबी भाई, पूजा बिकम जलेबी भाई, आज जलेबी भाई बन गई है।